हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं वेज सोया कीमा, इसे सोयाबीन कीमा भी बोलते हैं। ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, स्पेशली जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो चलिए शुरू करते हैं वेज सोया कीमा बनाना फटाफट से। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सोया की वड़ी ले ली है, इसे सोया चंक्स भी बोलते हैं। एक कप लिया है मैंने, एक कप या एक बोल आप ले सकते हैं। उसके बाद इसको भिगो के रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब ये 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ऐसे ही और हम सब्जी फ्राई कर लेंगे। उसके लिए एक पैन में 4 से 5 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, उसको गर्म करेंगे और उसके बाद उसमें एक छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छे से चटक जाने के बाद उसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, ये मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने। अब इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे, कम से कम 2 मिनट तक प्याज को सेकेंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और लो फ्लेम पर ही सेकेंगे हम इसे। ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं प्याज अच्छे से, ये पक भी गए हैं और जो इनकी स्मेल होती है वो भी चली जाएगी। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। अगर आपके पास सिर्फ अदरक और लहसुन का ही पेस्ट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। बस अदरक लहसुन और हरी मिर्ची के पेस्ट को अच्छा सा चला लेंगे, 1.5 मिनट तक इसको चलाएंगे बस। ये भी अच्छे से जब भुन जाएगा, देखिए बस ये हो गया है यहाँ पे। अब उसके बाद इसमें नमक मिला देंगे अपने स्वादानुसार। उसके बाद इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिला देंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर मिला देंगे। उसके बाद 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर मिला देंगे। सारे सूखे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से भुन भी गए हैं मसाले यहाँ पे। अब इसमें 1 छोटा बोल मैंने ग्रीन पीस का डाला है, हरी मटर का डाला है। ये फ्रोज़न हरी मटर हैं, अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। बस फ्रोज़न वाले जो होते हैं वो पकने में थोड़ा कम टाइम लेते हैं और जो फ्रेश होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा इनको चला लेंगे हल्का सा, और ये दबा के देखा था मैंने चम्मच से, हरी मटर पक चुकी हैं। अब इसमें 1 छोटी कटोरी मैंने टमाटो प्यूरी डाली है। टमाटर, कच्चे टमाटर को बारीक पीस के मिक्सर में चला के और फिर इसमें ऐड कर सकते हैं आप, अगर टमाटो प्यूरी नहीं है आपके पास तो। उसके बाद यहाँ पे 2-3 मिनट तक इसको पका लेके ढक के। ये देखिए, 2-3 मिनट हो गए हैं, टमाटो अच्छी तरीके से प्यूरी जो है पक चुकी है। थोड़ा सा चला लेंगे उसको। अब जो सोया वड़ी जो है उनको पानी में भिगो के रखा था वो एकदम फूल चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हो चुकी है, स्वेल हो चुकी है वो। अब इनका पानी निचोड़ लेंगे हम। निचोड़ने के बाद उसको मिक्सर में पीस लेंगे। ये देखिए, इतना ग्राइंड करेंगे हम उसको, अच्छा बारीक पीसेंगे, अंदर इसको छोड़ देंगे हम और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास सोया चंक्स की नहीं है और सिर्फ ग्रैनुअल्स हैं तो आप ग्रैनुअल्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। बस अब इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच दही लिया है मैंने, उनको अच्छी तरीके से फेंट लिया है और इसमें मिला लेंगे। दही से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसको पकाएंगे हम। ये देखिए, अच्छी तरीके से चला लिया है। अब इसको ढक के रख देंगे 2-3 मिनट के लिए। सोया चंक्स को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो पक जाते हैं बहुत जल्दी। अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची को ऐसे लंबा काट के, खड़ा काट के डाल देंगे और थोड़ा सा चला लेंगे। उसको चलाने के बाद यहाँ पे हम कम से कम 1/2 ग्लास पानी मिलाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सूखा है, हमको थोड़ा सा इसको गीला सा रखना है, इसलिए इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे। और अब इसको और पकाएंगे हम ढाक कर। ढाक के कम से कम 5 मिनट पकाएंगे इसको।
ये 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन खोल के चेक किया मैंने, ये देखिए ये ऐसा बना है सोया कीमा, ये बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऊपर से 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच देसी घी ऐड किया है। गरम गरम इसमें ऐड करेंगे इसको और थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है कीमे का। बस अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको थोड़ा सा चला लेंगे और यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये बनके रेडी हो गया है बिल्कुल सोया कीमा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं, इसको पाव के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत हाई होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।